आज मुसलमान मारे भाई है, बाप दादे कट्ठे बसे हाँ रहे हाँ जमे हाँ जड़े हाँ। आज मुसलमान ने भाई एक थप्पड़ मैजी दे एक कसी मिट्टी दे दो तो मरे मरे हैं, मरे पड़े। खबरदार है जी आज किसी मुसलमान का याद कर दिया बुरा पेशा होगा मैं, इस मौके में वो साथ देगा डांट। इसका मतलब बड़ा अच्छा बंदा फिर तो हाँ। वो कमाएगा जी, यानी कि इतने लोफड़ लोग आज मुसलमान ने बेइज्जती कर दिया, नुकसान हो है, नुकसान हो जिंदा नहीं समझा, यानी इस मौके में आकर वो साथ दिया अपना खानदानी बंदा था। हाँ असल चीज ये है कि बंदा खानदानी था, खानदानी था, इज्जत वाला बंदा था, बड़ा आदमी था, समझा सोचा था वो समझा। आजकल के जैसे बच्चे जो हमारे मारे बच्चे है बाबे किसी और के, आजकल इतनी सनास नहीं है, ये भी मेरे में कुछ और है, मेरे बच्चे में कुछ और होगी, हम ये भी जागना ये मेरे बेटे है और शायद ये आपस में एक दूसरे कुछ भी समझो, बुजुर्ग बुजुर्ग एक भी इसमें मेरा ताया था मजीद का बाप बारू, मैं 45 मील तक बर्द गाड़ी लेकर लेकर आया था। अच्छा मेरे ताया ने स्नेह दे दिया, मैं मेरे भाई है कुंदन है सरपली है सेठली है फलाना फलाना है, और मेरे भाई ने कह दिया मेरा सामान ले जाए ठहरे करता है ये लाड़काना का दरियाली हाँ हाँ फतेहपुर बिरा के ना था उसका ओडे बैठे थे कल्ला ही। अच्छा एक था जंगलाकर गोगड़ी मौलवी वाला का ओडे बैठा था, इसका सिनेरा सिंधी ने दिया जाएगा, सिंधी लाकर लाया गया शाम लोग का पिया सिंधी लाकर बोला सही तुम्हारा घर बोला एक उठा फलानी जगह बैठा है उतर आओ। हाँ बोला के ना भाई, बोला बारू हमने पता खुंदा, बोला बारू नाम है उसने नुनू कहा, बोला भाई मारा भाई है, बोला मैं हल बहक आया 12-1 बजे से मैंने लाकर मेरा अब्बा बोला बेटा नू कर घास में घेरूंगा बंदा ने तो ना है सोजी तू सफर कर रहा होगा ना कर सोजी अपने सोना साड़ा के बारे में जवानी थी इसमें जवान था के सोना साड़ा था मगर अब्बा अपने तो बता दो सही बात के काम है कोई काम बता, बोला बेटा तेरा ताया है और तुमने वो जानता को नहीं के मेरा बाद में जमे हो के ना और तभी भी कोई जम दोगे देखा होगा अब तभी कोई जाने और फलाना गाँव है ये फकीर गोठा राव जी था अगे थे इस पास फकीर गोठा सड़क जाया करती और तुमने उड़ा जाना है और उसका सामान ठहर के जाना जानती तो कोई नहीं चलो तुम्हें पूछ लियो भाई तेरा ताऊ लग है तो उन्हें कहे भाई ताऊ बारू महाजर का घर कौन सा है तू सिंधिया में बैठा हाँ। हम गए जी जेठ साल के दिन थे बहुत सख्त दिन थे मैंने गल्ला कौन लिया सिंधी सदीक में गया। अच्छा मैं बोला भाई गर्मी का इलाका है और हाँ और भाई इलाका है ओपरा शायद मेरे में सिंधी को बर्द खोज कर ले जाए मेरे का दो थप्पड़ मार के मैं कल्ला के करूँगा यार माँ एक दो जंग तो मेरे गले बिकचा लेगा दो तो जंग जो बोला चलो मैं बिकचा लूंगा तरकुंड का था ना सदीक भी हाँ मेरा पोता हाँ, अच्छा ना तो मेरा पोता लगा था मेरी उम्र अच्छा अच्छा फिर हम चल पड़े जी गड्डी गड्डी ले कच्ची सड़क कर दी चलो चल चलो चलो हम गए के महाजर बैठा ओका उसका दौड़ा दे रहा गला पानी का दे रहा अरे यानी 8-10 मील हम चल गए मैं बोला मैं यार प्यास लग रही है सदीक अलमा से बुढ़े तो रोक कर खड़ा गड़ा खड़ा पानी पी लिया बोला चलो अब एक दरखत की कर से तरह टाली थोड़ा बंद खड़े करके नहीं मैं जुड़े जुड़ा रेड़ी में अब मैं सलाम वालेकुम वाह सलाम मंगा बाबा जी पानी पीवागे बोला भैन चौधरी चैन पानी पीवागे पानी इतने भर के गई सी तुसी जंगला था अच्छा मती सदीक बोला तो पिटवाओगा चल चल ना मेरा अब तो जोर से पुठे चल जंगले ही से रहे बेचारे अच्छा तोड़े तो रेड़ी फिर चले फिर हम 10-12 मील चले इसमें मैं जुगूर होगी मारे गर्मी के मौसम जेल साड़ के दिन बड़दा ने भी जीप कर रखी थी दिन अच्छा कच्ची सड़क हो कर दी एक इसे तरी आग के सिंधी बैठा था वो सिंधी था वो कवि दरिया बूढ़ा पानी भी और घर आप दरिया अरे बुढ़िया बैठी से दोनों मगर सदीक यार इसमें जी लिखना लग रहा है अरे चलो खुदा का नाम मान चलो कोई तो भला होएगा बोला तो मैंने पिटवा होगा आगे मतलब एक मतलब बच गए एक मतलब बच गए और यूं तो पिटवा होगा बोला बोला अरे बात देखी जाएगी यार दो खल्ले मार लेगा और क्या करा इन मर्दा ने तो झूठ पकड़ना पड़ेगा हम गए सलाम वालेकुम सलाम मार कर देखा वालेकुम सलाम मगर चाचा जी पानी पीवागे हाँ पुत्र पियो पियो गिलास रहा मिट्टी की खुरबी से बोला ऐसा कुछ रहा हो तो ओबर काम ने पानी उसने भी पिया मैंने भी पिया पानी पी लग रहा हमें वह बुढ़िया औरतें उठ कर और पिछले पास था घर वह बुढ़िया उठ कर अपने
आपा तो दोपहर ने कहता दोपहर की रोटी में मंजन खवे अच्छा मंजन की रोटी खाओ दोपहर ने मंजन बोले अच्छा बुढ़िया ने तो मैं पता तो पका के रखी थी पता नहीं मैं मारा नसीब था वह बुढ़िया और तो उठ के पिछले आवे पानी पी के दो दो वो टोक की मारी है वो कपिया बुढ़िया तो भाई इतनी छब्बी रोटियां की और एक बाल्टी एंड सारी बाल्टी वाला सी और ग्वार की कचरा की चलो जाके एक दो दो रोटी जो मार पे खाए खाए पानी पूनी पी के ओका पी के फिर आवे ताजे मां चल बेसदी माई ने बटन आम गए अग गए तो मारा ताऊ बैठा न्यू मंजी पिछे रखी और दखन का नहीं काम और पैर लटका बैठे नू बैठे बुढ़ा आदमी था पांच सात टाली खड़ी मैं बोला सुनी यार माँ गांव तो यू है फतेहपुर था पता के ना था सुना अच्छा तो मैं गांव तो यार लवा लग जाओगा और इस बुढ़ा ने पूछ लिया इस बुढ़ा ने पूछा पा चल बोला तो बूढ़े दो तीन टोके थे ना और तो पिटवावा कर अरे माई को पिटता मारे कोई अब चोर नहीं ठग दी यार माँ आम गए हम जा गए सलाम वालेकुम पता तो बूढ़े ने सुनिया कोई नहीं पता नहीं गया और फिर सदीक मैंने खींचा तो छोड़ करा ना बोला ना छेड़ा यार कोई बात नहीं बोले क्या ना सुनिया वो कहा फिर भी तकड़े सलाम वालेकुम ताऊ ताऊ के सलाम वाले मैंने नहीं आम नहीं मेरा बता रहा यूए है बुला ताऊ सलाम वालेकुम और उसने नहीं देखा वालेकुम सलाम मगर बड़े मियाँ हमने बारू माथर का जाना है आपने ना लिया उसका इमाम ने के पता यू है ना आपने देखा ना आपने जाना मन जो ना लिया दी जो तो उठ के जब्बर के जू रोया जिस तरह आपने बैंदर छोरी रोए कर मैं आमिनू काम पड़े मगर ये बूढ़ा मरवाओगा हम तो कुछ कहा भी कोई नहीं अरे बूढ़ा मरवाओगा भाई हम तो नवरा हमने कुछ छुटाने जाना करना सिंधी लोग तो कतल कर देगा इधर कदर बैठ दे कौन बाबा माँ मैं तेना कुछ नहीं कहा हमने माफी दे दे हमने माफी कहा उसकी दाढ़ी का खिलावा माफी मांगा मैं बाबा मैं तेना तरह का कुछ भी नहीं कहा और माँ हमने माफी दे दे अच्छा मैं काफी देर मुँह माँ पूंज पहच कर बोला बेटा मैं हूँ बोला बारू ओ ताऊ बोला मैं तेना लेना तो क्यों रोया बंदा लगा तेरे बदले खजल फारो तो रोया माँ मैं तेना तो लेना आया डरा दिए आपने डरा दिए माँ मैंने अच्छा बेटा बैठ जाओ बैठ के बड़े पंजाली बंदा काट गया अपना बड़े नारे बहन दिए रेड़ी नारी खड़ी कर दी मेरे ताई ने पता लग गया मेरे ताई दिया नेपाल ने हाँ आगे दिया देखे इसके लिए कोई नहीं नेपाल के कड़े बैठे हैं पता नहीं मेरे ख्याल इस पास ही बैठे हैं इसका नहीं लगे का नहीं बैठे अच्छा अच्छा तो ओला जी मेरे ताऊ ला के बोला चलो बेटा रोटी राटी खा ले मैं ताऊ जी कर रोटी राटी का हमने सबूत खोली और बाद में देख लेंगे बड़े भूखे है कि छोरा सिंधी का जुआर काटन ले जानी मगर ताया थम्मा घास खा लिया वहां इस पे और बड़ा गए दागे भूखे तो छाए बोले बोले अच्छा बेटा ले आओ लू लो ये काटन ले जाता हम गए जवान छोरा तार बजगा और जुआर काटन ले गया सलाम वालेकुम आजा आधा क्या कहूँ मगर आधा मामले थम्मा घास खा दिया यार हमें रियासत में आ गया और हमारे दाग भूखे वो भी लगते गलती दे ले जाते अरे चंगा थब्बा कर गया था काट कर थब्बा हमें घर आ लिया है गमैन सी थी मेरा किसकी थी कमाल आ गई थी किसकी थी मारे को कुछ उन्हें वह थे कुआड़ी ले जाए कुआड़ी ऐसे इतने इतने टोटे कर काट ले गेट गया तो मर्दा का गेट बड़े थे आ रहे थे कि बेचारे को मुंह मारा कदे बैठ जाए कदे उठ जाए बोले मगर ताई इन कर रोटियां में फिर खावागे सामान ला दो हमने सामान बता दी रोटी अपनी खाटी उन्हें नारियां में खावागे थी बाकी सामान बताओ गुदड़े बिस्तर गर्मी के मौसम थी मंजी आपने रख ली गुदड़े बिछोड़े जितने भी थे मैं तो इसका मिट्टी का चूल्हा भी डर दिया था अच्छा बुढ़िया ने बड़ा भाई वहाँ क्यों डर दिए बहन जूट के मगा ताया नहीं करिए पहले वाला तारा उभरे जिस पर उस पर उस पर कड़ी बूढ़ी भी कम हुए करती पहले का तारा उभरे नहीं उस पर तो ठह दिए वहाँ गर्मी के मौसम है और वहाँ अब चला गए बोले अच्छा बेटा समझा मैं रोटी पानी खा कर सोए गए दो बड़ी आँख लागी मारी मैं उलुप तुल में उसमें फिर फिक्र में उन्हें देखा तो पैर तारा उभर जाए
बोला बेटा पैर का तारा तो उभर जाए, माँ ताया बैठो चलो फिर बैठो माँ। एक मेरी ताई थी, एक मेरा ताया था, एक जीत था एक मजीत था, चार ये तेरे भाई। एक छोरी थी मोल बिया जानी थी मैंने किसी दो ऐड सारी थी वो मैंने नहीं चलो छोरी नंदा को मैं सदीक ने लागन माँ भाई न्यू कर बर्दा का हो गया गांव का मुंह मेरे में बर्द नहीं रुकेगे और तो पीछे बैठ जाए को बुढ़ी या बूढ़ा या बाल ढहना पड़े। ये जी जा गया था ऐड सारा था कुर्ता कुर्ता पहन करता भाई ना कच्छा था ना धोती थी और मजीत था अपना भाई बढ़ा मजीद इस वर्ग का था जीत तो मैं छोटा था कुत्ता कुत्ता बहरा करता मगर भाई बाल कहाँ शार रखे कहते पीछे ढहना पड़े और बल भी नहीं छुपे मेरे पे हालांकि मारी भी जवानी थी उस वक्त हम भी जो कहते हैं मारा वर्गा भी कोई घबरू कोई नहीं होगा यानी मेरे हाथ बल्दा का मुँह क्या मैं गांव में जावा रस्से खींच के मेरे हाथ लाल हो गए बड़े बड़े उठता मैं चले मगर मैं टाइम पहुंचे थे ओढ़ता मैं चले मैं जोर के जान हो जी पहुंच लेगा जी तो हम घर पहुंचे। अच्छा उसने मुंह कौन थी घर बार छोड़ जाकर ले लेंगे घर परवाह कौन थी सी ना ना पसोड़ा ले लिया घर जाकर बना लिया ओड़ा गए होटल लेके फिर पांच सात दिन अपने दौरा रखे रह के फिर एक बटेरा था सिंधी उसके कब्जे में था किराना का मकान। बोले यार मकान नहीं मजीद बोले भाई हमने मकान को दुआ दीजिए ठीक है मंगा भाई मकान दे वो बटेरा जाके बड़ी बड़ा की बात है हमारी को बिगड़ा तो नहीं खींचो सिंधिया वाले वही मारी कदर कर दे हम भी कदर करा दे बटेरा ने वहाँ बटेरा सा मारा एक मारा ताया चाचा है और मारा दो राम हमने मकान दे और उसने लेकर चाबी लेकर ये मकान पड़ेगा हमने चाबी लेकर मकान में फिर और बिठा दीजिए अब खेती जारी करे कर दे भाई इसने महस भी ली गाय भी ली मगर भाई तेरा दिल कर दर्द घास फाड़ ली अपनी खेती बाड़ी को ईबे कड़ा है हां ईबे पूरा ईबे पूरे हैं हां पूरे हैं वे मजीद और मजीद में हैं हां मजीद जी दो जी में हां पूरे हैं पाकिस्तान की पैदाइश है फिर यू जा करदा मेरू मारा वाला बिलाड़ी कौन से आ गए बेरापुर बेरा में बिलाड़ी का किसानियों का किसानिया का हां जूना किसानिया हां उसका बाप दर्जा काम करे करते इसका बहू का हां तो यू जानता हो रहा है किराए भाड़े उस पर थोड़े हुए कर दे तो ये जानता हो रहा है सीधा मेरा पुत्र का बिना ना फिर उड़ता है नुआरा लवा पड़ा था नुआरा उसे पता लग गया वो है यू फिर एक करके गया हो रहा है जीत तो यहाँ खा ली इनके लगा दामा जाकर काया होगा फिर दोबारा फिर गया फिर इसने पता नहीं गिट मिट कर कुरा फिर बोले भाई सू यार चलो यू है वहाँ फिर बोले भाई हमें बिक जा भाई तारी सलाह हाँ मैं तो चाहूँगा जी तरह ले चल देता हमने बाकी भाई तब जाओ तो कोई बंदर तो कोई आखिर आना तो हमने भी करके उड़े हैं जमीन के फूट से उड़े ये बिछमड़ी ये सारे उड़ा के किसी और पास भी बैठे हैं कई जगह बैठे हैं भी कई जगह बैठे हैं बैठे हाँ बिरजा रोड बैठे हाँ खानपुर में बैठे हाँ जहर भी हैं दो घर खाने वाले बैठे हाँ जहरपुर बैठे हाँ कई जगह बैठे हाँ बसीरे कौन बैठे बसीरे बैठे चाचा लादू हाँ मुजफ्फरगढ़ हाँ लादू के लाद बैठी है अच्छा एक तो तर गांव में को तर दौर में सांग सुंग होया कर दे बड़े सांग होया कर दे कोई याद भी है कोई याद तो यार ही बनता ना के गाय का सुनाओ बालक बैठे गाय का पड़े बैठे कोई बालक नहीं बैठे बालक मैं अब बालक ना इसकी औलाद है कोई नहीं कोई एक आधी राग नहीं सुना दे गाय का ना सुना नुए सुना दे घर में बैठे अब सर माफ नुए सुना दे दो बोल नुए सुना दे गाय का ना सुना नहीं जे भाई कुछ याद है कुछ भूल तो जो याद है वो सुना दो मेरा दिमाग काम नहीं करता देखा बाल जी जख्म रहा होगा मेरी नाड़ी का देख लिया कितने बोल में तड़क मरिया होगा कद की रुक के मारो साजन तो आगे कित खड़ा होगा तौर करके आज रे प्यारी आगे बीमार पड़ा होगा भूल के कोनी याद नंदी समझा है अल्फाज पर किस तरह याद आ गए चलो ठीक है कोई नहीं एक चिड़िया का दो बच्चे थे शौक दूसरे ने मार दिए मैं मर जा तो मेरे बच्चा ने दुख मतना बरतार दिए इतनी कह के चिड़िया मर गई वो ले दूसरी ब्याह कर दी उस बार ने तला ठा दिए फेंक दिए बैठ गई गम खा कर मार चुच्चे वहाँ गाल करे चिड़िया ने सतम गुजार दिए मैं मर जू तो मेरे बच्चा ने दुख मटना बरता दिए मैं कह रही हूँ साधन दूजा ब्याह करवाइए ना चाहे हो इंद्र की इंद्राणी उसने ब्याह के लिए ना दो बच्चे तेरा दिए खुदा ने और चीज तेरा चाहिए ना दो लड़के तेरा रूप बसंत तू इनती भी दमकाइए जे आ जा तीर तू हारो साधन लाइन का श्रृंगार दिए मैं मर जा तो मेरे बच्चा ने दुख बरता बरता दिए बिना मात के पुत्र हो मामा करते फिरा करे कोई मारे कोई धमकावे और डाल भोगते फिरा करे
चलो ठीक है, कोई नहीं, बस नहीं याद आती तो। बस काफी दिन हो गए, बूढ़े हो गए, जवानी के काम थे। चलो ठीक है, पूंजी किसी की याद रहते। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।